गौस मोहम्मद अंसारी साहब, आप रामपुर उत्तर पंचायत के निवासी हैं जी जी, और आप सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्कर हैं, इलेक्शन में भी आप खड़े होते रहे मुखिया के। आपके पंचायत में जो भजनपुर एरिया आता है, गांव आता है जी, वहाँ का जो मसला था जिसमें फायरिंग हुई पिछले हफ्ते जुमा के दिन जी, उससे पहले गांव वालों ने क्या ब्लॉक लेवल ऑफिसर को अप्रोच किया था, उनको पिटीशन फाइल किया था कि हमारा ये रोड है, ये इसको हमको रोड मिलना चाहिए? जब फैक्ट्री वाला ये कह रहा था, फैक्ट्री वाला गांव में जाकर के ये कह रहा था कि ये रोड हमारी है, इसको हम तोड़ देंगे, तो भजनपुर गांव के लोग अपने मुखिया राजीव चौधरी के माध्यम से एक पिटीशन अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, जो हमको डर है ये जो इंडस्ट्री जो लोग लगा रहा है उस हमारे रोड को तोड़ देगा। अनुमंडल पदाधिकारी भजनपुर गांव के ग्रामीणों को अपने कार्यालय में बुलवाए, आप लोग आइए, सड़क संबंधी बात करना। ग्रामीण लोग हमको बुलवाए, हमको कहे जो आपको इस बात को रखना है, हम लोग इस अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, आप हमारे साथ में रहिए और हमारा जो है बात को अनुमंडल पदाधिकारी के पास में रखिए। हम ग्रामीण क्योंकि उसी गांव में हम रहते हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो हम लगे रहते हैं सभी अच्छे बुरे में, तो उन लोगों के साथ हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ गए। अनुमंडल पदाधिकारी के तरफ से हम लोगों पर दबाव रहा कि ये सड़क आप लोगों को नहीं मिल सकता है, ये बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कलेक्टर हमको दबाव दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जो है दबाव है, इसलिए इस रोड को आप लोगों को नहीं मिल सकता है, आप दूसरा बात कीजिए, यहाँ हम आपका विकास का गांव में विकास का काम करा देंगे, एम्बुलेंस दे देंगे, बिजली करा देंगे और दूसरा जो बात कहिए सो कर देंगे, लेकिन रोड आपको नहीं मिल सकता है। हम लोगों ने रोड के बारे में, क्योंकि ये रोड हम लोगों का जो है ग्रामीणों का जो है ये 58-60 से जो है हम लोग उस पर चलते आ रहे हैं, बहुत सारे स्कीम से जो है उसमें पैसा लगा है, हम लोगों को लगता है कि ये रोड हम लोग बनवाया था, हम लोगों के लिए है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो इस बात पर जो है समझौता नहीं हो पाया। बोले जो ठीक है तब आप लोग जाइए, हम 3 आदमी का कमेटी बना दिया है, बना देते हैं और उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कर देंगे। हम लोग गांव वापिस हो गए, इसके बाद हम लोगों से कोई समझौता कोई बात कभी भी ये नहीं। मीटिंग कब हुई थी? ये 3 महीना पहले, लगभग 3 महीना पहले, फरवरी में हुई थी, 8-2 फरवरी को जो पिटीशन जी 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 उसके बाद उसके बाद फिर कोई समझौता कोई बात कोई अनुमान किसी के स्तर से कोई सड़क का बात नहीं हुआ, ना उसमें कानूनी प्रक्रिया का जो है पालन किया गया, कोई कानूनी प्रक्रिया का फिर पालन नहीं किया गया, कोई तरह का बात नहीं किया गया, ऊपर लिखा पढ़ी किया गया, और हम लोग जो है इंतजार से थे ये सड़क हम लोगों का रहेगा। फिर मालूम हुआ 1 तारीख को बहुत सारा फोर्सेस अग्नि दस्तक टेंट लगा करके जो है अफसरान लोग थे, मुखिया जो अभी निर्वाचित हुए हैं उनको बुलवाया, जिला परिषद को बुलवाया, उनसे क्या बात हुई हम नहीं कह सकते हैं, हम थे भी नहीं, हमको बुलाया भी नहीं गया, जब हमको नहीं बुलाया गया और हम नहीं थे तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। फिर 3 तारीख को जो है सुना जो है फायरिंग हुआ, फायरिंग के बाद हम लोग जो है आना शुरू किए, ढेर सारा लाश, ढेर सारा लोग इंजर्ड थे, यहाँ की स्थिति बड़ा भयावह थी, और रामपुर जो वो कम्प्लेक्स है जहाँ फैक्ट्री बन रहा है वो जो है सैनिक छावनी में तब्दील हो गया, यही हम लोगों ने देखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।